सीआरपीएफ 22 बटालियन ने उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कंबल व खेल सामग्री का किया वितरण। सिविल एक्शन के संयुक्त पहल में सीआरपीएफ 22 बटालियन चूरचू ने शुक्रवार को आंगो थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित बेला गांव एवं चिरकू में ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं गांव के वृद्ध असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। ओरिया गांव में खिलाड़ियों के बीच खेल सामग्री का भी वितरण किया गया। सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में पुलिस व पब्लिक के बीच आपसी संबंध बेहतर बनता है। आज भी सुदूरवर्ती इलाकों के लोग पुलिस को देखकर डर से भाग जाते हैं। इसी डर व भय को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है ताकि आपसी तालमेल व सामंजस्य बरकरार रह सके। आज भी कई सुदूरवर्ती इलाकों में आधुनिक युग से वंचित है। इसी को देखते हुए रेडियो का वितरण किया गया ताकि लोग समय समय पर अपने इलाके व देश दुनिया की समाचार को सुन सके और कुछ सीख सके। वहीं चिरखुटवा गांव में कई जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट मनोज कुमार सिंह, आंगो थाना प्रभारी धर्मवीर कुमार यादव, एसएसआई हरभजन लाल, विकास कुमार, पद्मा सिंह, सुरेश कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, विजय कुमार, सुरेश धर्मवीर सिंह, सुनील कुमार पांडे, अनिल कुमार, अनूप कुमार सिंह, वाजिद खान, रमेश चंद्र सोरेन, सुधीर कुमार, अनूप विश्वास, मनोज कुमार पासवान, सतेंद्र कुमार, रिकी कुमार राहुत, शिव शंकर राम, सुरेश, जिला बल के जवान, सीआरपीएफ जवान सहित कई ग्रामीण महिला पुरुष आदि। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज का कार्यक्रम अभी सीआरपीएफ कैंप चूचू से ट्रेवल एरिया में ग्राम आंगो टोला बेला और नानो के बीच में इन लोग कम्बल वितरण का यह बहुत अच्छा किए और बूढ़ बुजुर्ग को बहुत खुशी हम लोग को भी मिल रहा है कि प्रत्येक समय हम लोग को होश हवास तक ऐसे कैंप के माध्यम से अभी तक तो उतना या अंदर ट्रेवल एरिया में घुस घुस करके तो कैंप नहीं हुआ था, लेकिन आज हम लोग को देखते हुए बहुत खुशी हम लोग को भी मिल रहा है। मम्मी पापा दादा दादी ऐसा लोग को कंबल वितरण करके बहुत हम लोग को सुकून मिला। अभी जैसे कि बहुत सारा और ऐसे ऐसे भी कहें कोई विभाग से हो जाता ऐसा कड़ाके के ठंडी के टाइम में तो बहुत अच्छा खुशी होता सभी लोग के लिए। धन्यवाद।